हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 5, क्या यह एक जैसा दिखता है? तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। आओ देखें, टी को अलग अलग तरह से घुमाने पर यह कैसा दिखता है। हम देख सकते हैं कि कैसे टी को आधा घुमाने पर यह उल्टा हो गया, यानी 180 डिग्री घूमना। ऐसे ही आप देखें कि अन्य भागों पर घुमाने पर टी कैसा दिखता है। आप देखेंगे यहाँ टी को एक चौथाई घुमाया तो कुछ इस प्रकार दिखता है। उसके बाद टी को एक तिहाई घुमाया तो टी इस प्रकार दिखता है। फिर 1/2 अर्थात आधा घुमाने पर टी उल्टा हो गया। इसे ही 180 डिग्री घूमना भी कहते हैं। इसके बाद 3/4 घुमाने पर टी कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ हर घुमाव यह दिखाता है कि टी में उसकी असल स्थिति से कैसे बदलाव आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, दिए गए अंग्रेजी के वर्ण निम्न घुमावों पर कैसे दिखेंगे, बनाकर दिखाओ। यहाँ पर वर्ण दिए हुए हैं, फिर इन वर्णों को 1/4 घुमाव पर कैसा दिखेगा दिखाना है। 1/2 घुमाव पर वर्ण कैसा दिखेगा यह दिखाना है। इसके बाद 3/4 घुमाव पर वर्ण कैसा दिखाई देगा और एक पूरा घुमाव के बाद वर्ण कैसा दिखेगा दिखाना है। पहला वर्ण है सी। सी को 1/4 घुमाएंगे तो सी इस प्रकार दिखेगा। इसके बाद 1/2 घुमाने पर सी इस प्रकार दिखेगा। 3/4 घुमाव पर सी कुछ इस तरह दिखाई देगा और एक पूरा घुमाव के बाद सी पहले की तरह ही दिखाई देगा। अगला वर्ण है पी। पी 1/4 घुमाव के बाद ऐसा दिखेगा। 1/2 घुमाव के बाद ऐसा दिखेगा। 3/4 घुमाव के बाद ऐसा दिखाई देगा और एक पूरा घुमाव के बाद पी पहले की तरह ही इस प्रकार दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला वर्ण है ए। ए 1/4 घुमाव के बाद ऐसा दिखेगा। 1/2 घुमाव के बाद ऐसा दिखेगा। 3/4 घुमाव के बाद ए ऐसा दिखेगा और एक पूरा घुमाव के बाद ए पहले की तरह ऐसा दिखेगा। अगला वर्ण जे। जे को 1/4 घुमाएंगे तो ऐसा दिखेगा। 1/2 घुमाएंगे तो ऐसा दिखेगा। 3/4 घुमाएंगे तो ऐसा दिखाई देगा और एक पूरा घुमाव के बाद जे पहले की तरह ऐसा दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि वर्ण को घड़ी की दिशा में घुमाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, अंग्रेजी के ऐसे वर्णों को पहचानो जिन्हें आधा घुमाने पर वह असल स्थिति जैसे ही दिखें। ऐसे सभी वर्णों को नीचे दिए गए डिब्बे में लिखें। तो बच्चों, ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी में ए बी सी डी से लेकर जेड तक लिखेंगे। लिखने के बाद कॉपी को 1/2 घुमाएंगे या 180 डिग्री घुमाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो वर्ण घुमाने के बाद भी पहले जैसे दिखाई दे रहे हैं वे हैं H I N O S X Z। जी हाँ बच्चों, ये वर्ण हैं जो कि आधा घुमाने पर भी असल स्थिति जैसे ही दिख रहे हैं। तो इन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे HINOSXZ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उन घुमावों पर सही का निशान लगाओ जिन पर आकृति असल स्थिति के समान दिखे, एक करके दिखाया गया है। पहली आकृति, तो यहाँ पर सही निशान पहले से ही लगाया हुआ है 1/4। दूसरी आकृति पर नहीं। यह आकृति नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी भी स्थिति पर पहले जैसी नहीं दिखाई देगी। तीसरी आकृति,
एक बटा तीन घुमाव पर असल स्थिति के समान दिखाई देगी। चौथी आकृति वृत्त की आकृति है, इसे किसी भी घुमाव पर घुमाएंगे तो यह पहले जैसी असल स्थिति में ही दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी आकृति, इसे एक बटा दो घुमाव और एक बटा तीन घुमाव पर यह असल स्थिति जैसी ही दिखेगी। छठी आकृति, एक बटा चार घुमाव और एक बटा दो घुमाव पर असल स्थिति जैसी दिखेगी। सातवीं आकृति, नहीं, यह दिए गए विकल्पों में से किसी भी घुमाव पर असल स्थिति जैसी नहीं दिखेगी। आठवीं आकृति, एक बटा दो घुमाव पर असल स्थिति जैसी दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चार, यह शब्द आईने में देखने पर कैसे दिखेंगे, बनाइए। एक करके दिखाया गया है आपको, यहाँ मिरर इमेज, आईने में शब्द कैसा दिखाई देगा लिखना है। कार को मिरर इमेज, आईने में देखने पर कैसा दिखेगा लिखा गया है। दूसरा शब्द है इंग्लिश, इसे मिरर इमेज में देखेंगे, आईने में देखेंगे तो यह इस प्रकार दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अंक है 108, तो यहाँ आप मिरर इमेज में आईने में देखेंगे तो 108 इस प्रकार दिखाई देगा। 8 लिखा आएगा पहले, 8 में कोई चेंज नहीं होगा, फिर 0 आएगा और उसके बाद 1, तो 108 क्या बन जाएगा मिरर इमेज में, 801। इसी प्रकार अगले अंक को मिरर इमेज आईने में देखने पर कैसा दिखता है लिखेंगे तो यह कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अन्य विषयों पर बनी हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।